स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। भले ही कई साल पूर्व से बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन अब भी शराब कारोबारी शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। शराब कारोबारी अलग अलग हथकंडा अपनाकर दूसरे राज्यों से शराब की खेप बिहार मंगवा रहे हैं और धड़ल्ले से उसे बिहार में खपा भी रहे हैं। हालांकि पुलिस भी शराब कारोबारियों पर जमकर शिकंजा कस रही है और समय समय कार्रवाई करते हुए शराब तस्करों को सलाखों के पीछे भी भेजने का काम करती है। ताजा मामला सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के रहुआ वार्ड नंबर 11 की है, जहां उत्पाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रहुआ गांव स्थित राहुल कुमार के घर से छापेमारी करते हुए 668 लीटर विदेशी शराब जब्त किया है। वहीं छापेमारी के दौरान शराब कारोबारी राहुल मौके से भागने में सफल रहा। जानकारी देते हुए उत्पाद अधीक्षक अस्मिता प्रीतम ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सौर बाजार थाना क्षेत्र के रहुआ में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एक कमरे से विभिन्न ब्रांडों की 74 कार्टून विदेशी शराब, जो करीब 668 लीटर है, इसे बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि जिस मकान के कमरे से शराब मिली है, उस पूरे मकान को सील किया जाएगा। श्रीमती प्रीतम ने कहा कि इस मामले में फरार मुख्य कारोबारी राहुल पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। ये सौर बाजार थाना अंतर्गत रहुआ गांव में छापेमारी की गई थी वार्ड नंबर 11 में राहुल कुमार के यहाँ, जहाँ से 1549 बोतल शराब विभिन्न ब्रांडों की और अलग अलग क्वान्टिटीज में कुल 668.355 लीटर बरामद की गई है। और राहुल कुमार पिता का नाम संतोष यादव, रहुआ वार्ड नंबर 11 पर एब्सकॉन्डिंग केस लॉन्च किया गया है और जिस कमरे से बरामद हुआ उसको हम लोग कंफिस्केशन के लिए भेज रहे हैं।